स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट वीडियोस के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और वैदिक मैथमेटिक्स का अंदर हम लोगों ने सबसे पहला मेथड स्केल किया था, यानी वर्ग ज्ञात करना किया था। सूत्र निकलन विधि से आपने किसी संख्या का वर्ग ज्ञात किया था, आपने कोई भी नंबर्स का सूत्र निकलन मेथड से स्केल फाइन किया था। आज हम क्यूब फाइन करेंगे, घन ज्ञात करेंगे। तो क्यूब कैसे होगी, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या मेथड है, तो देखिए इस वीडियो के अंदर। आप वही बात है, ये भी सूत्र निकलन मेथड ही है, वो सूत्र निकलन मेथड स्क्वायर का था, ये सूत्र निकलन मेथड क्यूब का है। तो हमारे 10th के सिलेबस में क्यूब फाइंड करने की ओनली वन मेथड, एक ही विधि है, सूत्र निकलन मेथड है। और इस मेथड से क्यूब कैसे फाइंड किया जाएगा, तो देखते हैं इस वीडियो में। तो आधार विधि, सबसे पहले बेस मेथड आता है। बेस मेथड में कोई भी नंबर का आपको घनफल यानी क्यूब फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है संख्या प्लस दो गुना विचलन ऑब्लिक तीन गुना विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की क्यूब, यानी नंबर प्लस टू इंटू डेविएशन ऑब्लिक थ्री इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन की क्यूब। कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, मान लो आपने 40 लिया, 40 की क्यूब फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको 40 का बेस फाइंड करना है, आधार ज्ञात करना है कि इसका आधार क्या होगा। तो बेस क्या होगा, आप हिंट यानी संकेत में एक साइड में राइट करेंगे बेस, 40 का बेस है 10, तो डेविएशन डी क्या होगा, यानी विचलन क्या होगा, 40 माइनस 10 क्या आएगा, प्लस के 4 आएगा, तो डेविएशन आया आपका प्लस 4। अब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, फॉर्मूला क्या है, नंबर क्या है, 40 प्लस 2 इंटू डेविएशन क्या है 4 ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन 4 है, 4 स्क्वायर डेविएशन की क्यूब डी 4 है, 4 की क्यूब, यानी संख्या क्या है 40 प्लस 2 गुणा विचलन 4, 3 इंटू विचलन 4, 4 का स्क्वायर विचलन 4 है, 4 की क्यूब। चलिए 40 प्लस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 8, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 की क्यूब, 4 की क्यूब यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 4, 16 इंटू 4 64, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64, तो 4 की क्यूब होगी 64। 40 प्लस 8 क्या बनेगा 22, 16 इंटू 3 48, 64। आज मिडल और लास्ट पार्ट से यानी मध्य और तृतीय खंड से कितने कितने अंक, कितनी कितनी डिजिट लेनी है, सम करते टाइम जो बेस में 0 है उतनी, बेस में 1 0 है तो 1, यहां से आएगा 4, 6 बचा 6 इधर ऐड किया 48 प्लस 6 54, 54 का 4, 5 इधर ऐड कर दो 27, ये आपका 14 का क्यूब है। 14 की क्यूब फाइंड करनी है, तो बेस मेथड से आधार विधि से इसकी क्यूब यानी इसका घनफल ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए आपको बेस लेना है और डेविएशन यानी विचलन लेना है, उसके बाद आपने इसको तुलने में वैल्यू पुट करते हुए इस मेथड से इस टाइप से आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं। अब आता है कि सबबेस, फॉर एग्जांपल, तो सबबेस एग्जांपल कोई एनी एग्जांपल आप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, आपने सबबेस लिया 23 की क्यूब फाइंड करनी है आपको सबबेस मेथड से, आपको 23 का घनफल 23 का घनफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको 23 का 23 का बेस यानी आधार लेना है। तो 23 का आधार क्या होगा, 23 का जो बेस यानी आधार है, आप हिंट में लिखेंगे अगर संकेत में, आधार यानी बेस आपका 10 है, तो आपको बेस के साथ सब बेस यानी उपाधार लेना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन है कि डेविएशन है वो 23 में से बेस 10 माइनस करें तो डेविएशन 13 आ रहा है,
और डेविएशन कभी भी बेस से ग्रेटर यानी बड़ा नहीं हो सकता। तो बड़ा नहीं होना चाहिए तो आपको सब बेस लेना पड़ेगा। तो आपका सब बेस क्या होगा, 23 का सब बेस होगा 20। सब बेस के बाद आपको उपाधार अंक लेना है यानी सब बेस डिजिट भी लेनी है। तो सब बेस डिजिट क्या है, सब बेस डिजिट 20 डिवाइड बाय 10। सब बेस को बेस से डिवाइड करना है, उपाधार को आधार से विभाजित करना है, भाग देना है, तो आपका सब बेस डिजिट आ गया। तो अब आप डेविएशन डिफाइन करेंगे। अब डेविएशन क्या है, 23 माइनस सब बेस उपाधार। अगर आपने सब बेस ले लिया तो आपने नंबर में से सब बेस माइनस करना है डेविएशन के लिए। अगर सब बेस ना होता तो बेस माइनस करना था, तो अब आपने उपाधार माइनस किया तो विचलन आया प्लस का 3। चलिए जी, आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। नंबर क्या है 23, तो 23 प्लस 2 इंटू डेविएशन 3। हाँ जी, फर्स्ट पर इसको सब बेस डिजिट्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, उपाधार अंक के वर्ग से गुणा करना है। तो उपाधार अंक क्या है, 2 है, तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सब बेस डिजिट 2 है तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट पर। चलिए मिडल में चलते हैं, मध्य खंड में क्या है, 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर। 3 इंटू डेविएशन क्या है, डेविएशन भी 3 है तो 3 का स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सब बेस डिजिट यानी उपाधारण। उपाधारण क्या है, सब बेस डिजिट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया, डेविएशन की क्यूब, डेविएशन 3 है तो 3 की क्यूब ये 2 का स्क्वायर 4। 23 प्लस 2 इंटू 3 6। हाँ जी, 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 3 की क्यूब, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27। 23 प्लस 6 23 प्लस 6 29 29 29 का मल्टीप्लाई 4 से करें 116। 9 इंटू 3 9 इंटू 3 27 27 27 इंटू 2 54। नेक्स्ट 27 सम ही करना है और सम करने का यही मेथड होगा, जो बेस में 0 है मिडल और लास्ट दोनों टर्म से, दोनों खंड से, दोनों पार्ट से कितनी कितनी डिजिट लेनी है जितनी बेस में 0 है। बेस में 0 कितनी है 1, तो यहां से क्या आएगा 1 ओनली 7। 2 2 ऐड किया 56 6 क्या बता 5 इधर ऐड किया 121। इस प्रकार आप किसी भी नंबर्स की क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स का दूसरी वीडियोस थी। पहली वीडियोस के अंदर फर्स्ट वीडियोस में आपने स्क्वायर फाइंड किया था और आज सेकंड वीडियोस के अंदर आप क्यूब फाइंड करेंगे, घनफल ज्ञात करेंगे। तो घनफल के क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूं, उस दिन हम लोगों ने 8 क्वेश्चन स्क्वायर पर फाइंड किए थे, आज 8 क्वेश्चन हम क्यूब पर फाइंड करेंगे। तो क्यूब के क्वेश्चन राइट कर रहा हूं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ये 8 क्वेश्चंस आपने बेस और सब बेस मेथड से, दोनों में से कोई भी मेथड जो यूज हो सकता है उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से आपने क्यूब फाइंड करना है, घनफल ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इस बार 10th के सिलेबस में, लास्ट ईयर से जो वैदिक मैथमेटिक्स का जो सिलेबस कम किया है, डाउन करने के बाद सिर्फ 5 ही टॉपिक है,